नमस्कार दोस्तों, गेट सक्सेस 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में हम देखेंगे राजस्थान एलडीसी में आने वाले पेपर वन में जो आपका दैनिक विज्ञान एवरीडे साइंस यानी कि साइंस का जो क्वेश्चंस आते हैं, जो 50 क्वेश्चन आते हैं उसका मैं पूरा एनालाइज करके बताऊँगा आपको। बाकी मैंने दे दिए, बस हमारा एक अब जीके बचा है। बाकी मैंने आपको मैथमेटिक्स का एनालिसिस दे दिया है, हिंदी का दे दिया और इंग्लिश का दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर यहाँ पे लिंक आ रहा है, उसे ओपन करके देख लो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मेरे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगे। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ दैनिक विज्ञान का, तो पूरा देखना दोस्तों और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। और पहला देखिए हमारा, ये अकॉर्डिंग टू सिलेबस है। अगर आपके पास सिलेबस है तो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस को ले लो और उसके आगे ये मार्क्स लिख लो, ठीक है। और इसके आपकी जो PDF है इसके डिस्क्रिप्शन में आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। पहला क्या है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रियाएं यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। मैं सभी नहीं पढ़ पाऊंगा तो आप देख लेना। कैटलिस्ट, इसके क्वेश्चंस आते हैं आपके चार, ऑन एन एवरेज चार ही क्वेश्चन आते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन किसके आते हैं, आपकी फिजिकल और केमिकल चेंजेस से क्वेश्चन बनते हैं। पक्का क्वेश्चन बनेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस से, दो तो लिख लो, कम से कम दो क्वेश्चन बनेंगे फिजिकल और केमिकल चेंजेस से। बाकी आपका कैटलिस्ट से एक क्वेश्चन बनता है, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन से एक या दो क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इस हिसाब से इनका एवरेज चार चला जाता है। दूसरा क्या है, धातु अधातु यानी कि मेटल्स नॉन मेटल्स वगैरह इनमें है। और क्या है, सम इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स यूज्ड इन डेली लाइफ, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख रखा है, आप आराम से पढ़ लेना। इसके भी ऑन एन एवरेज आपके चार क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं मेटल नॉन मेटल्स के, ठीक है दोस्तों। और फिर देखते हैं हम तीसरा, कार्बन वगैरह, कार्बन एंड इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और फ्रियोन्स, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, पॉलीमर्स, सोप एंड डिटर्जेंट। इसके क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सात क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज। अब किस टॉपिक के कितने आते हैं वो मैं आपको बता दूं, सोप्स एंड डिटर्जेंट से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पक्का है, ठीक है, इससे पक्का आ जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस से कम एक क्वेश्चन पक्का आएगा, डेफिनेटली है, और ये हमेशा पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे अगली बार नहीं आएगा, इससे डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। फ्रियोन्स वगैरह इनसे भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इससे क्वेश्चन बनता है, और आपके कार्बन संबंधित क्वेश्चन दो इससे तीन बन जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारा ये ऑन एन एवरेज बैठता है सात का, ठीक है। अगला चलते हैं हम, क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड इट्स लॉज, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ लेंसेज, आगे क्या है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शंस। इसके कितने हैं, पाँच क्वेश्चन आते हैं इस टॉपिक के। अब इसमें क्या है, आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से एक से दो क्वेश्चन बनेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट से भी डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनेगा, लेंसेज और डिफेक्ट्स के पक्का दो से तीन क्वेश्चन बन जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि इनमें से किसी टॉपिक का क्वेश्चन बनेगा नहीं, हर एक का बनेगा, इसलिए सारे पढ़ लेना, अच्छा है, इम्पॉर्टेंट है। आगे चलते हैं पांचवे की ओर, इलेक्ट्रिसिटी सबसे मेन है आपका, क्योंकि इसका सिलेबस बड़ा है और क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इसके सात हैं। देख लीजिए, हटा रहा हूँ, ये नीचे कितना है, सात है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सात बनते हैं। टॉपिक बड़ा है क्योंकि इसमें टॉपिक्स काफ़ी सारे आ जाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी वाला ये जो टॉपिक है पांचवा, इसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ देना, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक सेल, ओम्स लॉ, ये सभी चीज़ें डेफिनेटली पढ़ लेना, फैराडे लॉ, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इलेक्ट्रिक मोटर और घरों में यूज़ होने वाली बिजली और उनके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, ऐसे बहुत चीज़ें क्वेश्चन इस पे बनेंगे, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका साइंस का, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे चलते हैं छठे टॉपिक पे, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च प्रोग्राम ऑफ इंडिया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इससे बनते हैं हमारे तीन क्वेश्चन, तीन या चार मान लो, कई बार एक ऊपर एक नीचे हो जाता है। तो इसमें ऐसा पूछा जाएगा कि ये स्पेस स्टेशन कहाँ पे है या कब बना था, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं इसके, ठीक है दोस्तों। कोई स्पेस स्टेशन के बारे में पूछा जाएगा या फिर कोई रॉकेट या जो सैटेलाइट है उसके बारे में कोई क्वेश्चन आ जाएगा, तो वो सारे पढ़ लेना आप। सातवां क्या है आपका, जेनेटिक्स के बारे में जो भी टॉपिक्स है वो इसके अंदर है, ठीक है। मैं आपको डिटेल में बता दूँ, इसमें जेनेटिक्स है पूरी की पूरी। इसके क्वेश्चन कितने हैं, छः बनेंगे इसके क्वेश्चन, जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। अब बनते हैं किस किस के, क्रोमोसोम्स के क्वेश्चन आते हैं, न्यूक्लिक एसिड के क्वेश्चन आते हैं, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, मनुष्य में लिंग निर्धारण, इसका डेफिनेटली एक क्वेश्चन पक्का आता है, ठीक है। तो ये चीज़ें बनती है, मेंडल्स लॉ से एक क्वेश्चन डेफिनेटली, तो मेंडल्स लॉ अच्छे से पढ़ लेना, और जनरल टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू जेनेटिक्स, मतलब शब्दावली डेफिनेशंस जो जेनेटिक्स से रिलेटेड है उन पे क्वेश्चंस बनते हैं। और अब आगे देखते हैं आठवां, एनवायरमेंटल स्टडी, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो ऑफ सिस्टम, ये भी काफ़ी बड़ा टॉपिक है और इससे भी आपके सात क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये वाला पूरा टॉपिक बहुत बड़ा है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का मैंने आपको कहा था कि बहुत बड़ा टॉपिक है, उसी टाइप से ये भी बहुत बड़ा टॉपिक है ये इजी,
ठीक है। इसमें आपको थ्योरी थ्योरी मिलेगी ज़्यादातर, लेकिन ये है इजी और क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, तो आपको स्कोर यही चीज़ें करवाएगी। नाइन्थ क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल्स, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट्स। देखिए ये टॉपिक्स है ना बेसिकली थ्योरी टाइप्स के हैं, ठीक है, कि इंपॉर्टेंस क्या है प्लांट्स की इकोनॉमिक वे में अगर बात करें तो, और इकोनॉमिक वे में अगर बात करें तो एनिमल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। ये क्वेश्चन एक या दो, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं बनते, तो बहुत बड़ा टॉपिक भी नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, तो ओवरव्यू में पढ़ लेना। अगर आपको ज़्यादा टाइम ना मिले तो इसे सिंपली पढ़ लेना, एक दो क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनने वाले। दसवां, ब्लड ग्रुप्स वगैरह, ह्यूमन डिजीजेज, ठीक है, पैथोजेंस, आरएच फैक्टर। देखिए ह्यूमन डिजीज से डेफिनेटली, अब इसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं, 5। ह्यूमन डिजीज से अकेले एक या दो क्वेश्चन बन जाएगा आपका, उसके अलावा ब्लड ग्रुप से एक क्वेश्चन बन जाता है आपका, आरएच फैक्टर से एक क्वेश्चन बन जाता है, और बाकी पैथोजेंस, माल न्यूट्रिशन, इनसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो ऑन एन एवरेज इसके 5 क्वेश्चन बनते हैं। अब आप सोचोगे ख़त्म हो गया, अब ये जो टोटल मैंने आपको बताया है अगर आपको इनको ऐड करोगे ना तो 49 क्वेश्चन बनेंगे। अब आप कहोगे एक क्वेश्चन कहाँ बचा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन होते हैं 50। तो मैंने पिछले पेपर्स देखे हैं दोस्तों, एनालाइज़ किया है कि वहाँ पे कंप्यूटर का क्वेश्चन भी पूछा गया है, एक क्वेश्चन कंप्यूटर का भी आ गया है। तो अगर आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है तो थोड़ा सा पढ़ लेना, ये एक क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेगा, ठीक है, कंप्यूटर का क्वेश्चन आया हुआ है पिछले पेपर्स में, आप देख लेना। तो एक क्वेश्चन वहाँ से है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए साइंस के हमारे 50। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। अब हमारा सिर्फ बचा है एक जीके का पार्ट, वो भी मैं या तो कल तक या परसों तक आपको एनालाइज करके जीके का पार्ट भी जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। और भी अगर कोई आपका डाउट है तो नीचे कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करना। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नए एक वीडियो में।